स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं ऑकलैंड वर्सेस ओटागो ओडीडी मैच प्रीव्यू, जो खेला जाएगा ईडन पार्क आउटर ओवल ऑकलैंड पे, और यह मैच रात के 3:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 20 फरवरी को, मतलब कल के दिन, ऑकलैंड वर्सेस कैंटरबरी के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना है, जो पिच रहेगी ना दोस्तों, ये यूज्ड पिच रहेगी। मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कल के दिन मतलब 20 फरवरी को मैच खेला गया था, तो यहाँ पे यूज्ड पिच रहेगी। अब देखो, जब अपन स्टैट्स चेक करते हैं ना, अभी आपको स्टैट्स में समझाऊंगा दोस्तों, तो उसके थ्रू आपको समझेगा कि पिच है ना वो बैटर फ्रेंडली पिच है, ठीक है। और यहाँ पे तेज गेंदबाजों को नई गेंद से मदद मिलती है, फिर बाद में यहाँ पे स्पिनर्स दोस्तों गेम को कंट्रोल करते हैं। अब देखो स्वैनी के ऊपर ना, आपको ध्यान देना, आप नाम से समझ सकते हो, ईडन पार्क आउटर ओवल ऑकलैंड लिखा हुआ, ठीक है। क्या लिखा हुआ आखिरी के अंदर, ऑकलैंड। टीम का नाम क्या है, ऑकलैंड। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, होम ग्राउंड है किसका, ऑकलैंड टीम का। अब देखो स्वैनी के ऊपर ना, किसने, ऑकलैंड ने 26 मैच खेले हैं लास्ट 10 साल के अंदर, ठीक है, और 18 मैच जीते हैं। तो बहुत बढ़िया दोस्तों का रिकॉर्ड है यहाँ पे। वहीं बात करते हैं जो मेहमानी टीम है ओटागो, इन्होंने यहाँ पे 4 मैच खेला है, मात्र 1 मैच जीता है और 3 मैच हारा दोस्तों इन्होंने लास्ट 10 साल के अंदर स्वैनी के ऊपर। अब देखो होम ग्राउंड ऑफ ऑकलैंड है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। लास्ट 10 मैच के अंदर स्वैनी के ऊपर क्या हुआ था, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो टीम बैट फर्स्ट करी है ना वो यहाँ पे 4 मैच जीती है, जो टीम दोस्तों यहाँ पे चेस करी है ईडन पार्क आउटर ओवल ऑकलैंड पे, वो 6 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 10 गेम्स। औसतन स्कोर 250 से 300 बनता है यहाँ पे, नॉर्मली दिखा जाता है। अब देखो लास्ट 10 मैचेस के अंदर स्वैनी के ऊपर क्या हुआ था, पेसर्स ने मतलब तेज गेंदबाजों ने 84 विकेट्स निकाले हैं, पहली पारी के अंदर 48 है, दूसरी पारी के अंदर 36 है। तो पहली पारी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है तेज गेंदबाज, दूसरी पारी में भी अच्छा ही करा है। अब देखो राइट आर्म पेसर 63 विकेट्स है, लेफ्ट आर्म पेसर 21 विकेट है। बात करेंगे यहाँ पे स्पिनर्स की, तो लास्ट 10 मैच के अंदर स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छा गेम को कंट्रोल करा है। क्यों, मैं दूसरा पे स्पिनर्स पे भी आपको प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो यूज पिच हो सकती है, हाई चांसेस तो वही है, क्योंकि 20 फरवरी को मतलब जस्ट एक दिन पहले यहाँ पे मैच हुआ रहेगा। तो देखो लास्ट 10 मैच के अंदर स्पिनर्स के 56 विकेट है, पहली पारी में 32 है, दूसरी पारी के अंदर 25 है। यार स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है, ऑफ स्पिनर्स के 18 विकेट है, लेग स्पिनर्स के 12, फिर लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 3 है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 23 विकेट है। बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स। अब देखो जो लास्ट मैच हुआ था यहाँ पे 20 फरवरी की बात है, ऑकलैंड वर्सेस कैंटरबरी के बीच में मैच था, उस मैच के अंदर कुल मिला के 12 विकेट गिरे थे। उस मैच में देखो अब क्या हुआ था, 6 विकेट तेज गेंदबाजों के थे, 6 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो इस मैच में यार स्पिनर्स का पलड़ा भारी हो सकता है, क्या होता है इस बार स्पिनर्स के नंबर ज़्यादा हो जाए। अब देखो पहली पारी के अंदर ना, अपन टोटल करते हैं पेसर और स्पिनर को, मतलब पहली पारी के अंदर कितने विकेट गिरते हैं, तो आपको ध्यान देना है 48 और 31 कितना होता है भाई साहब, होता है 9 और 4 और 3 कितना होता है 7, 79 विकेट्स गिर रहे हैं पहली पारी के अंदर तेज गेंदबाज और स्पिनर को मिला के। बात करते हैं दूसरी पारी की, तो दूसरी पारी के अंदर तेज गेंदबाज और स्पिनर ने मिलकर निकाले भाई साहब कितने विकेट, आपको पता है 61 विकेट निकाले हैं। तो समझ सकते हो पहली पारी वाले गेंदबाज थोड़े से इंपॉर्टेंट, इतने भी नहीं कि आप ऐसा ना करो कि सारे बॉलर लेके बैठ जाओ पहली पारी के, दूसरी पारी के आपको थोड़े बहुत कंसिडर करना है। मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम ऑकलैंड लग रही है, चाहे बैट फर्स्ट करे चाहे बैट सेकंड करे। अब देखो बात करेंगे इसके, सनी वेदर है, वेदर फोकास भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ईडन पार्क आउटर ओवल इस वेन्यू को किंग्सलैंड मतलब जहाँ पे है उसको किंग्सलैंड के अंदर भी उसको बोला जाता है, कुछ लोग इसको किंग्सलैंड बोलते हैं। तो आप देखो बढ़िया वेन्यू है, सनी वेदर का मैच 11 बजे स्टार्ट होगा वहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर, अपने यहाँ पे रात के 3:30 बज रहा रहेगा। न्यूज़ की बात करते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है ओटागो के अंदर, चिंता की बात यह है कि एम एस रदरफोर्ड नेशनल ड्यूटी के ऊपर है। दोनों टीम्स ने आपस में लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस में क्या करा है, दोनों टीम्स दो दो यहाँ पे, आई थिंक ओटागो 2 जीती है, ऑकलैंड 3 जीती है, तो ऑकलैंड दोस्तों थोड़ी फेवरेट रहेंगी। बात करते रहे हम स्क्रीन, तो मार्टिन गप्तिल यहाँ पे ओपन करेंगे जॉर्ज वर्कर के साथ, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, रॉबर्टो डोनल, बेन हॉर्न, सीन सोलिया, विल सॉमर वाले, लुकी फर्गसन, आदित्य अशोक, बैंक, जिम लिस्टर आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब जो इनके बेंच पर रहेंगे, साइमन किन रहेंगे, राइट आर्म मीडियम है, रोस्टर बराक, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, लुइस डेलपोर्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। ओटागो की बात करते हैं, मैच रहने के यहाँ पे विकेट कीपर राइट ही बैटर है, लेकिन कीपिंग दोस्तों मैक्स शू कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ AKW लिखा है, ये नाम मात्र कीपिंग कर रहे हैं बस।
डेल फिलिप्स यहाँ पे इनके साथ ओपन करते हैं, क्लास बेटर है, नील ब्रोमन निक केली कैप्टनसी कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एम एस रदरफोर्ड। रेपॉन है ये आजकल अनरू किचन के ऊपर खेलने लगे हैं, फिर अनरू किचन मैक्सो ट्रेविस मुलर जैकब डफे बैन लॉक्रोज अंडर 19 न्यूजीलैंड के हीरो रहे थे, मैथ्यू बैकन राइटर मीडियम है। चलते हैं दोस्तों अब किसकी तरफ, जो टीम अब लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के अपन पहले बात कर लेते हैं कि आपको एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी समझाया यार, ठीक है। तो देखो लास्ट ईयर मार्टिन गप्तिल ने फोर्ड ट्रॉफी के अंदर, ये 50 ओवर का मैच है, ओडीडी मतलब होता है वन डे डोमेस्टिक, एक दिवसीय घरेलू मैच, ठीक है। तो फोर्ड ट्रॉफी इस टूर्नामेंट का नाम, जैसे अपने इंडिया के अंदर विजय हजारे ट्रॉफी चलती है, वैसे न्यूजीलैंड के अंदर फोर्ड ट्रॉफी चलती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्श कप चलता है, इंग्लैंड के अंदर चलता है भाई साहब रॉयल लंडन कप, साउथ अफ्रीका में मोमेंटम कप, ठीक है, याद होगा तो आपको। तो उन्होंने 50 ओवर के मैचेस के अंदर लास्ट ईयर 3 मैच के अंदर 76 रन करा था, सीन सूर्या का 6 मैच में 298 रन था, लास्ट ईयर टॉप ऑर्डर में खेले थे, दैट्स द रीजन। हर प्लेयर के स्टैट्स मैंने दिए आपको, ठीक है। ये उटागो हो गया, इसके अंदर आप माइकल रेपॉन के देखो, यहाँ पे 306 रन थे भाई साहब 9 मैच में 7 विकेट डाले, ये स्टैट्स थे इसके। अब देखो हेड टू हेड स्टैट्स की बात करते हैं, जब दोनों टीमें आमना सामना करती है तो क्या होता है, जब मार्टिन गप्तिल खेलते हैं अगेंस्ट उटागो तो क्या हुआ है, देखो आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है, ये स्टैट्स यार निकालने में बहुत टाइम लगता है, स्पेशली ओडीडी के स्टैट्स होते हैं ना वो कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आपको जा जाके स्कोर कार्ड पे मतलब हजारों टैब ओपन करने पड़ते हैं, हजार ज़्यादा हो गए, मतलब कम से कम 20-30 से 40-50 टैब ओपन करने पड़ते हैं, फिर उसमें से जो सबको नोटबुक लिखना पड़ता है कि भाई किसने क्या करा है। तो मार्टिन गप्तिल ने अगेंस्ट रोटा को क्या करा, आप देखो 40 बैट फर्स्ट, 36 बैट फर्स्ट, 0 चेस के ऊपर है, 117 बैट फर्स्ट है, 108 बैट फर्स्ट है, तो अच्छे स्कोर्स है। वर्कर आपको पता है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के प्लेयर थे, तो वो ऑकलैंड की तरफ से खेलते हुए अगेंस्ट ओटागो नहीं खेला है। मार्क चैपमैन 84 नॉट आउट है, चेस करते हुए प्लस एक विकेट था, 3 रन बैट फर्स्ट प्लस एक विकेट है, 11 रन चेस के ऊपर, 0 रन चेस के ऊपर है। ग्लेन फिप्स 20 रन प्लस 3 विकेट है चेस करते हुए, 156 बैट फर्स्ट, 41 चेस, 8 बैट फर्स्ट, 101 चेस, अच्छे स्टैट्स हैं इनके। रॉबी ओ'डोनेल 9 बैट फर्स्ट, 52 बैट फर्स्ट, 12 चेस के ऊपर रन आउट हुए थे, फिर 23 चेस के ऊपर 1 बैट फर्स्ट, 13 चेस, 15 चेस, 42 बैट फर्स्ट, 37 चेस प्लस 1 विकेट, 27 चेस प्लस, अच्छा स्कोर था इनका, वो जनता ने बहुत ज़्यादा ले भी रखा है रॉबर्ट ओ'डोनेल को। सिंसोलिया 19 रन बैट फर्स्ट, 25 रन बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है, 6 रन चेस के ऊपर प्लस 1 विकेट है, 13 रन बैट फर्स्ट प्लस नॉट आउट रहे थे उस मैच में, 2 विकेट है, 27 चेस के ऊपर 10 बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है, 64 चेस के ऊपर 84 बैट फर्स्ट है। बेन ऑर्ने 11 27 42 2 63 रन आउट, 15 रन आउट 1। विल सॉमर वाले 1 विकेट बॉल सेकंड, 3 विकेट बॉल सेकंड, 2 विकेट बॉल सेकंड। बेंजियम लिस्टर 0 विकेट बॉल सेकंड, 2 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल फर्स्ट, 2 विकेट बॉल फर्स्ट, 2 विकेट बॉल सेकंड, 1 विकेट बॉल फर्स्ट, 0 विकेट बॉल सेकंड। लुकी फर्गसन 2 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल फर्स्ट, 2 विकेट बॉल सेकंड, 1 विकेट बॉल फर्स्ट, 4 विकेट बॉल फर्स्ट। रोस्टर बराक का अच्छे नंबर्स है, जब दोस्तों फॉर्म में होता है ना बंदा, एक लेफ्ट आर्म पेसर है, लेफ्ट आर्म पेसर के साथ क्या होता है, जब उसकी बॉल लाइन लेंथ पे गिरती है तो क्या होता है, कंसिस्टेंसी उसको मिलती है, फिर दोस्तों वो इसी टप पे भी डाल डाल के विकेट्स निकाल लेता है, तो इसलिए भी ऐसा प्लेयर है जब उसका दिन होता है तो बहुत विकेट निकालता है ना, कुछ नहीं करता। 0 विकेट बॉल सेकंड, 4 विकेट बॉल सेकंड है। यहाँ पे मैंने हर प्लेयर के स्टार्ट दिए, लुइस डेलपोर्ट के भी दिए, ये भी खेल सकते हैं, इनका हेड टू हेड के अंदर 4 मैचों में 4 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेटलेस, ठीक है। स्टार्टिंग ओवर बेंजियम लिस्टर, लुकी फर्गसन, सीन सोलिया, डेथर में भी सेम कॉम्बो रहेगा। ओटागो की बात करते हैं, जब यहाँ पर खेलते हैं मिच रेनविक अगेंस्ट ऑकलैंड, तो 40 चेस के ऊपर, 0 चेस के ऊपर, 16 बैट फर्स्ट, 33 बैट फर्स्ट, 31 पे रन आउट हुए चेस करते हुए, 1 बैट फर्स्ट, 15 चेस के ऊपर है। डिलेप फिलिप्स की बात करते हैं, तो ये देखो आप चेस करते हुए इनका बैट ही करने का मौका नहीं मिला, फिर 41 चेस के ऊपर है, 26 इनका बैट फर्स्ट था नॉट आउट, फिर 13 चेस के ऊपर है। नील ब्रूम के भाई साहब स्टैट्स अद्भुत है, 68 नॉट आउट चेस के ऊपर, 0 चेस के ऊपर, 39 बैट फर्स्ट, 104 बैट फर्स्ट, 66 चेस के ऊपर, 50 बैट फर्स्ट, 49 चेस के ऊपर रन आउट हुए, 109 बैट फर्स्ट, 101 बैट फर्स्ट, मतलब अद्भुत स्टैट्स है। निक केली की बात करते हैं, 61 चेस के ऊपर, 4 चेस के ऊपर, 0 बैट फर्स्ट, 34 बैट फर्स्ट, 19 चेस के ऊपर है। अनरू किचन, जिनके स्टैट्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करना है अनरू किचन और माइकल रेपॉन के बीच में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अनरू किचन 32 चेस के ऊपर प्लस 2 विकेट है, 0 रन प्लस चेस के ऊपर, 0 विकेट है, फिर यहाँ पे 0 विकेट है, बॉल सेकंड है प्लस 60 है, 14 बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है, 17 चेस के ऊपर प्लस 0 विकेट है, 43 बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है, 4 चेस के ऊपर प्लस 1 विकेट है, 23 रन प्लस 1 विकेट है, 19 रन चेस के ऊपर प्लस 4 विकेट है, फिर 0 रन है बैट फर्स्ट, 26 रन बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है। माइकल रेपॉन की बात करते हैं,
18 रन चेस के ऊपर प्लस 2 विकेट है नाबाद, 19 रन चेस के ऊपर प्लस 1 विकेट है, 4 रन बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है, 48 रन नॉट आउट जो भी बैट फर्स्ट 5 विकेट थे उसमें, 8 रन चेस के ऊपर 0 विकेट है, 6 रन बैट फर्स्ट प्लस 0 विकेट है, 3 विकेट बैट सेकंड 38 भी करा था उसमें नाबाद, फिर 83 बैट फर्स्ट प्लस 2 विकेट है, तो अच्छे नंबर से। रिपोन की भी बात करेंगे यहाँ पे, जैकब डफी की 4 विकेट बॉल सेकंड, 3 विकेट बॉल सेकंड, 2 विकेट बॉल फर्स्ट, 2 विकेट बॉल सेकंड, 1 विकेट बॉल फर्स्ट, 3 विकेट बॉल सेकंड, 5 विकेट बॉल फर्स्ट, अच्छे नंबर्स हैं। मैथ्यू बेकॉन 1 विकेट बॉल फर्स्ट, 1 विकेट बॉल फर्स्ट, 0 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल फर्स्ट। ट्रेस मुलर का 0 विकेट है। माइकल रे के स्टैट्स मैंने दिए हैं भाई साहब, इसने तो लास्ट टाइम अलग ही कुछ परफॉर्मेंस दिया था, इसी वेनी गेम पर इसने 3 और 7 विकेट हॉल निकाला था, ठीक है। जेरोड मकाई नहीं खेले, अदर अफ्रीका के स्टैट्स से, जोश फिनी के स्टैट्स से, डैन फेक्सक्रॉफ्ट के स्टैट्स से, नाथन स्मिथ के भी उन्हें लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग ओवर डफी है, ट्रेविस मुलर, मैथ्यू बेकन, ज्यादातर में वो सेम कॉम्बो इनका रहेगा। चलते हैं दोस्तों आप किसकी तरफ, वेन्यू स्टैट्स की तरफ। जब इस वेन्यू के ऊपर मैच हुआ इडन पार्क आउट रोल पे, तो क्या हुआ देखो आप यहाँ पे, जॉर्ज वर्कर ने 15 बैट फर्स्ट, रन आउट में 132 बैट फर्स्ट, 24 बैट फर्स्ट, 36 लास्ट टाइम चेस करते हुए आउट हो गए थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे लास्ट मैच के अंदर वो। कॉल ब्रेक्स के स्टैट्स मैंने दिए पर वो शायद ही खेलेंगे। मार्टिन गप्थिल की बात कर लेता हूँ मैं आपसे पहले, यहाँ पे मैंने दोस्तों मार्टिन गप्थिल के स्टैट्स लिखे हुए हैं, तो आप देखोगे मार्टिन गप्थिल ने क्या करा है, 36 बैट फर्स्ट, 40 बैट फर्स्ट है, 0 पर रन आउट हुए बैट फर्स्ट, 0 चेस के ऊपर 28 यहाँ पे बैट फर्स्ट है, 7 चेस के ऊपर 112 यहाँ पे बैट फर्स्ट है, 90 यहाँ पे बैट फर्स्ट, अच्छे नंबर है। क्लास प्लेयर है मार्टिन गप्थिल, सब जानते ही हैं। चैपमैन का यहाँ पे 1 विकेट प्लस 84 है, 11 रन चेस के ऊपर, 14 बैट फर्स्ट, 1 विकेट प्लस 25 रन बैट सेकंड करते हुए, 43 बैट फर्स्ट है, 13 बैट फर्स्ट है, 37 बैट फर्स्ट, 30 चेस के ऊपर है। ग्लेन फिलिप्स है 3 विकेट प्लस 20 रन, 26 रन प्लस 0 विकेट है, 5 चेस के ऊपर, 102 बैट फर्स्ट, 8 बैट फर्स्ट, 34 बैट फर्स्ट, 33 बैट फर्स्ट, 0 बैट फर्स्ट, 45 बैट फर्स्ट प्लस 1 विकेट है। लास्ट टाइम इसी वेन्यू के ऊपर इसने कैंटरबरी के खिलाफ 20 फरवरी को एक दिन पहले शतक जड़ा था, 122 करा था, चेस करते हुए नाबाद रहते प्लस 1 विकेट था। सेम सोलिया 151, 25, 19, 42, 44, 65, 17, 17, 63, 33 I mean 133, 34 है, 70 है, 84 है, 152 है, यहाँ पे 9 रन है, 15 है, पर दिक्कत क्या है, ये पहले दोस्तों टॉप 4 के अंदर बैट करा करते थे, अब ये नंबर 8 नंबर 7 पे बैट करने आते हैं। रॉबी ओडोनल 31 चेस के ऊपर 18 बैट फर्स्ट, 52 बैट फर्स्ट, 9 बैट फर्स्ट, 40 बैट फर्स्ट, 59 चेस के ऊपर, 12 चेस के ऊपर 61 है बैट फर्स्ट, 43 चेस, 69 बैट फर्स्ट, 64 चेस, 54 बैट फर्स्ट, 22 बैट फर्स्ट, 25 चेस, 31 चेस, 44 नॉट आउट बैट फर्स्ट, 42 बैट फर्स्ट, 31 बैट फर्स्ट, 95 बैट फर्स्ट। लास्ट टाइम भी यहाँ पे सेकंड लास्ट मैच के अंदर शतक जड़ा था इन्होंने, अपना पहला लिस्ट की सेंचुरी थी वो, फर्स्ट क्लास की, फर्स्ट क्लास नहीं यार बोलते ना अपन, लिस्ट है मतलब ODD गई, ठीक है, फर्स्ट क्लास और रेड बॉल हो गया, और लास्ट मैच में दो पैर रन आउट हुए थे चेस करते हुए। डन ऑर्नेट 29, 27, 11, 32, 38, 42, 70, 101, 18, 13, 2, 4, 9, 31, 10, 1, 11, 45, 2, 24, 14। दंडू फ्रेंड शायद नहीं खेलेंगे तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। विल सोमरवेली 1 विकेट बॉल फर्स्ट, 0 विकेट बॉल सेकंड, 3 विकेट बॉल सेकंड, 1 विकेट बॉल सेकंड, 1 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल फर्स्ट, 0 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल सेकंड, 2 विकेट बॉल सेकंड, 2 विकेट बॉल फर्स्ट, प्लस 25 रन, 27 रन है, प्लस 1 विकेट बॉल सेकंड, 1 विकेट बॉल सेकंड, 1 विकेट बॉल सेकंड, 2 विकेट बॉल फर्स्ट, लास्ट मैच में आया था। बेंजियम लिस्टर 202-0-0-3-0-2-0-1-5-3-0-1 लुइस शायद ही खेलेंगे। आदित्य अशोक का यहाँ पे 0 विकेट बॉल सेकंड, 4 विकेट बॉल सेकंड, 2 विकेट बॉल फर्स्ट, तो अच्छे नंबर्स है। रोस्टर बराक के स्टैट से लुकी फर्गसन की बात करते हैं, 2 विकेट बॉल फर्स्ट, 5 विकेट बॉल सेकंड, 0 विकेट बॉल सेकंड, 24 रन प्लस 2 विकेट बॉल सेकंड, 6 विकेट बॉल सेकंड, 6 विकेट बॉल सेकंड, 2 विकेट बॉल फर्स्ट। चलेंगे ओटागो की तरफ, मैच 94 का 40 है यहाँ पे चेस करते हुए, 0 है चेस करते हुए, 16 पे रन आउट हुए बैट फर्स्ट करते हुए। डिले फ्लिप्स का यहाँ पे 2 मैच में परफॉर्मेंस आना चाहिए था, लेकिन एक ही मैच में परफॉर्मेंस आया था, 41 चेस करते हुए, फिर एक बार चेस करते हुए बैट ही नहीं करा क्योंकि पहले बहुत नीचे खेलते थे। नील ब्रोम 68 चेस के ऊपर, 0 चेस के ऊपर, 39 बैट फर्स्ट है। निक कैली 61 चेस के ऊपर, 4 चेस के ऊपर, 0 बैट फर्स्ट है। एंड्रू किचन ने यहाँ पे 4 मैच खेले और ये पहले ऑकलैंड के लिए भी खेल चुके हैं, जो टीम थी एक्स प्लेयर रह चुके हैं ऑकलैंड के, कोई 10 साल पहले की बात हो, 8-9 साल पहले की। एंड्रू किचन 32 बैट सेकंड प्लस 2 विकेट है, 0 रन बैट सेकंड प्लस 1 विकेट है, 60 रन बैट फर्स्ट प्लस 0 विकेट है, 4 विकेट बॉल फर्स्ट प्लस 19 रन है। माइकल रिपोन 18 चेस के ऊपर प्लस 2 विकेट है, 19 रन चेस के ऊपर प्लस 1 विकेट है, फिर 4 रन था। जैकब डफी की बात करते हैं,
चार विकेट पांच विकेट, अद्भुत स्टैट्स हैं। रन्स भी कर रहे हैं 24-39। मैथ्यू बेकन का तीन मैच में एक विकेट है, ट्रेविस मुलर का दो मैच में एक विकेट है। बात करेंगे यहाँ पे कॉमन कैप्टन मार्टिन गप्टिल ग्रीन फिलिप्स, बड़ी लीग्स में आप बनाओ यहाँ पे मार्टिन गप्टिल ग्रीन फिलिप्स, एंड्रो किचन, माइकल रिपॉन को लग जाना है, चैपमैन फर्गसन, जॉर्ज वर्कर। बात यहाँ पे दोस्तों अपन किसको पिक करें, आदित्य अशोक को, रेवल सोमर वैल्यू को आप कमेंट करना। बात करेंगे दोस्तों टीम्स की, यहाँ पे कैप्टन है ग्लेन फिलिप्स, रीजन वही था कि ये वन टू डाउन बैट करते हैं ठीक है, और ऊपर से इनका ये भी रहता है कि कम से कम पांच ओवर डाल जाए, तो दैट्स द रीजन आई हैव प्रेफर्ड ग्लेन फिलिप्स। नील ब्रो में यहाँ पे मार्टिन गप्टिल, जॉर्ज वर्कर हैं, रेपॉन, किचन, चैपमैन, डफी, फर्गसन, विल सोमर, आदित्य अशोक। अब देखो बड़ी लीग्स में करना है, रिस्क लेने से नहीं डरना आपको, पहली चीज़ तो आपको ध्यान देनी है। आप देखो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में ग्लेन फिलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो मिच रेनविक को, बहुत दमखम रखते हैं, क्लास प्लेयर है मिच रेनविक, बस दिक्कत क्या फॉर्म थोड़ा सा सही है इनका, और सामने यार नई गेंद से बॉलिंग करेंगे लुकी फर्गसन हो गए, वहाँ पे बेंजामिन लिस्टर हो गए, तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पर मिच रेनविक को गति से। मार्टिन गप्टिल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, नील ब्रोम इंपॉर्टेंट, वर्कर इंपॉर्टेंट है, रॉबी डोनल आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ही इज़ ए क्लास प्लेयर, निक कैली ट्राई कर सकते हो, मिडल ऑर्डर बैटर है, आएंगे रन बनाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी टेक्निक है इनकी। मैं डिलन फिलिप्स को ट्राई करने के लिए बोलता, लेकिन सामने नई गेंद फेस करनी पड़ेगी इनको, बताया दिया मैंने बेंजामिन लिस्टर जैसे स्विंग बॉलर की, लुकी फर्गसन जैसे गति वाली गेंदबाज की, तो दिक्कत हो सकती है इनको। चलेंगे अपन रेपन की तरफ, इंपॉर्टेंट किचन इंपॉर्टेंट है, चैपमैन दोस्तों अच्छे क्लास प्लेयर है, वन डाउन खेलते हैं, सीन सोलिया थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, फॉर्म ऐसा ही इनका थोड़ा सा है, तो बढ़िया प्लेयर, रोस्टर बराक खेलते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। लुकी फर्गसन इंपॉर्टेंट, डफी इंपॉर्टेंट, विल सोमरवेल इंपॉर्टेंट है, मैथ्यू बेकन आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आदित्य अशोक एक क्लास गेंदबाज है, बेन लॉक्रोस भी एक अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बनाया है, क्लास गेंदबाजी करते हैं ये भी, टिपिकल टेस्ट मैच वाली जो गुड लेंथ हिट होती है ना, गुड लेंथ और फुल के बीच में बॉल डालते हैं ये, मुलर बहुत रिस्की है, बेंजामिन लिस्टर आप ट्राई कर सकते हो, अच्छी मतलब गति से डालते हैं, बस ये कि जब ये फॉर्म होते हैं तो बहुत विकेट निकालते हैं, वरना एक आध दो विकेट निकाल के चले जाते हैं ठीक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी दे दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन, सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा ठीक है, तब तक देखते रहिए। स्टार्ट गुरु जी, लिंक बताई दी आपको मैंने, जय हिंद।